नमस्कार साथियों, बेहद बड़ी खुशखबरी है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने रीट मेंस एग्जाम दिया है। जी हां साथियों, आपके रिजल्ट को लेकर के बीडी कल्ला ने एक महत्वपूर्ण बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि 45 दिनों के अंदर पोस्टिंग भी मिलेगी जिन्होंने रीट मेंस क्लियर किया था। जी हां साथियों, क्या है पूरी अपडेट विस्तार से जानते हैं। राजस्थान में रीट मेंस के रिजल्ट को लेकर तरह तरह की खबरें चल रही है। ऐसे में शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने भी कहा है कि रीट मेंस का रिजल्ट जैसे ही जारी होगा उसके महज 45 दिनों के भीतर रीट मेंस उत्तीर्ण कैंडिडेट्स की पोस्टिंग कर दी जाएगी ताकि 48,000 शिक्षकों के पदों को जल्द भरा जा सके, क्योंकि अब बस कुछ ही दिन में रीट मेंस का रिजल्ट भी आने वाला है। साथ ही शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने यह भी कहा है कि अभी 34,000 पदों पर शिक्षकों की और भर्ती की जाएगी, पोस्टिंग की प्रक्रिया जिलेवार की जाएगी। आपको मैं बताना चाहूंगा सबसे महत्वपूर्ण बात कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष ने अप्रैल के आखिरी सप्ताह तक रीट मेंस का रिजल्ट जारी होने की संभावना जताई है। ऐसे में मई के पहले सप्ताह में भी रिजल्ट मेंस आ सकता है, क्योंकि एग्जाम में 20 लाख के करीब स्टूडेंट्स शामिल हुए थे। साथ ही बीजेपी के सवालों को नकारते हुए कल्ला ने कहा है कि कांग्रेस सरकार 80,000 से अधिक पदों पर नौकरी दे चुकी है। इस वित्तीय वर्ष में राजस्थान का शिक्षा विभाग 1,00,000 लोगों को नौकरी देगा। विपक्ष बातें करता रहेगा और हम काम करते रहेंगे। शिक्षा मंत्री ने आगे कहा कि 48,000 पदों पर रीट मेंस का रिजल्ट आने के बाद शिक्षकों की भर्ती हो जाएगी। 10,000 के करीब कंप्यूटर अनुदेशक के पदों पर भर्तियां जारी है। इसके अलावा 6,000 शारीरिक शिक्षकों के पदों पर भर्तियां होंगी। वरिष्ठ अध्यापकों के साथ में 8,000 पदों पर भर्तियां होंगी। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी 10,000 टीचर्स की भर्तियां की जाएंगी। इसके साथ ही स्कूल व्याख्याता की भर्ती भी की जाएंगी। ऐसे में लगभग राजस्थान का शिक्षा विभाग 1,00,000 पदों पर शिक्षकों की कुल भर्ती का काम चल रहा है। जी हां साथियों, महत्वपूर्ण जानकारी है। यदि आप भी टीचर भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं इस नए 2023 में, तो आप सबके लिए सुनहरे अवसर भी खुल रहे हैं, क्योंकि साथ में रीट मेंस का रिजल्ट भी आने वाला है। और जिन अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया था उन सबकी भी जल्द से जल्द 45 दिनों के भीतर उन्हें भी नियुक्तियां मिल जाएंगी। जी हां साथियों, बड़ी अपडेट है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें। जय हिंद, जय भारत।